देख रहे हो ना इसको, इसका नाम है सुफियान। और ये सुफियान निधि गुप्ता से प्यार किया, और निधि गुप्ता से प्यार करने के बाद जबरदस्ती, ये सुफियान जो तस्वीर दिख रही है ना, ये जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। और जब शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो वो बोला कि शादी करो पहले, उसके बाद तुम्हें धर्म परिवर्तन करना है, मतलब तुम्हें भी बुरखा पहनना है और मुसलमान बनना है। और जब वो लड़की नहीं मानी तो इस लड़की को, जो ये स्क्रीन पे दिख रही है, इस लड़की को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। अगर हिंदू हो तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना। श्रद्धा अब भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, श्रद्धा की आत्मा। और उसके बाद से निधि गुप्ता चौथी मंजिल से नीचे फेंक दी गई, और सुफियान चौथी मंजिल से नीचे फेंकने वाला आज तक आजाद घूम रहा था। और आज योगी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस ने आज सुफियान का एनकाउंटर कर दिया, कंप्लीट एनकाउंटर कर दिया यूपी पुलिस ने। अब कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ऐसा है कि योगी जी की शासनकाल है, योगी जी हर जगह तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी का शासनकाल है, योगी जी ने इंसाफ करवा दिया निधि गुप्ता को। ये भाग रहा था और भागते हुए यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, कहीं ना कहीं निधि गुप्ता को इंसाफ मिल गया। लेकिन पूछना चाहते हैं कि आखिर श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा? नहीं मिलेगा श्रद्धा को इंसाफ, लिख के ले लीजिए। और आपसे बताना चाहते हैं भाई, यूपी पुलिस तो बहुत विनम्र होती है, जिस तरीके से विकास दुबे को यूपी पुलिस लेके जा रही थी, एकदम प्रेम पूर्वक लेके जा रही थी, विकास दुबे भागने का प्रयास किया, एनकाउंटर हो गया। उसी तरीके से सुफियान भी भागने का प्रयास कर रहा था, उसका भी एनकाउंटर हो गया। भाई इंसाफ मिलने से मतलब है किसी भी तरीके से मिले। अब भाग रहा था तो एनकाउंटर हुआ, अब भागते हुए भले किसी ने नहीं देखा होगा की बात है, लेकिन एनकाउंटर हुआ ना। अब बहुत से ऐसे दलाल आ जाएंगे कहने के लिए कि भाई ये फर्जी एनकाउंटर हुआ, गलत एनकाउंटर हुआ। भाई चौथी मंजिल से फेंका निधि गुप्ता को, और जब चौथी मंजिल से निधि गुप्ता को फेंका तो किसी भी तरीके से एनकाउंटर हुआ, हम तो कहते हैं वो सही हुआ, चाहे किसी भी तरीके से हुआ भाई, दोगलापन नहीं, जिस तरीके से हुआ एनकाउंटर हुआ, ये सही हुआ। और जितने भी आ रहे हैं ना, ये बोलेंगे कि ये फर्जी तरीके से एनकाउंटर हुआ, या ऐसा एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कि वो भाग नहीं रहा था, जबरदस्ती भगाया गया था। तो ऐसे कोई मिले ना तो उनका सबसे पहले, समझ, इशारा समझ रहे ना, सबसे पहले खातेदारी करने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। भाई एक लड़की को, जो जिसकी उम्र 20-22 साल की उम्र है उस लड़की की, और उस लड़की को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया, और हिंदू सोते रहते हैं भाई, कम से कम हिंदू जाग जाओ, जो तुम्हारे घर के अगल बगल में लोग हैं ना, अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो उनके साथ खड़ा होना सीखो, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना सीखो, और अपने भाइयों के इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाओ। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं, अगर हिंदू होगे तो वीडियो को शेयर जरूर करोगे।